अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन डम्पलिंग्स, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा चाहिए होगा, इसके बाद हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून नमक चाहिए होगा, इसके बाद हमें चाहिए किस्मत तेल। हम इसमें तेल डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे तेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। जब ये अच्छे से गूंद जाएगा तो कुछ इस तरह से डो रेडी हो जाएगी। अब बारी आती है इसका मसाला बनाने की। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें हमने 1 छोटा प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा और हमने डालनी है काली मिर्च डालनी है। इसके अलावा हमें चिली फ्लेक्स भी 1 टेबल स्पून भी लेने। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स होने के बाद भुन जाएगा, देन इसके बाद हमने इसके अंदर एक अनदर चीज़ डालनी है, वो हम डालेंगे इसके अंदर डालेंगे धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से होगा और उसके बाद हम डालेंगे मायोनीज़, और मायोनीज़ डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, बस इतना हो कि चिकन इसमें मिक्स हो जाए। जब ये हो जाएगा देन इसके बाद हमने जो डो बनाई हुई थी, हम उस डो का सबसे पहले पेड़ा बनाएंगे, बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। इस तरह से बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। और हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से बेलने के बाद हमने क्या करना, तो उसको बहुत ज़्यादा इसकी रोटी मोटी रखनी है ना बहुत ज़्यादा हमने पतली रखनी है, बस इतना हो कि आराम से ये फोल्ड हो जाए। फिर इसके बाद एक ग्लास की मदद से हमने इसके जो है राउंड सर्कल्स काट लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि नमक छिड़क के जो हमने स्क्वेयर्स का गोल जो राउंड्स काटे थे इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन का मिक्सचर डालेंगे। देन इसके बाद जो है वो फॉक से इसको अच्छे से निशान लगा देंगे कि सील हो जाए। देन इसके बाद जो है कुछ गौर से देखिएगा, कुछ इस तरह से इसकी शेप देनी है जिस तरह से ये मैंने दी है। ये देखिए फाइनली इसकी शेप कुछ इस तरह से है ताकि इसके एजेस अच्छे से बंद हो जाए, फ्राइंग के टाइम पे ये बाहर निकले। फिर वन बाय वन हम करके इसको तेल के अंदर डाल देंगे और जो है हम इसको जो है मीडियम आंच के ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इसके हम साइड्स पलटेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे देन इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और इसको हम जो है वो केचप और मायोनीज की चटनी के साथ उसको हम सर्व करेंगे।